नमस्कार, मैं हूं दीपक भंडारी और आप देख रहे हैं D4U न्यूज। चर्चा करेंगे दिन भर की बड़ी खबरों पर। भ्रष्टाचार को लेकर आपने कई किस्से सुने होंगे, लेकिन आज जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसे सुनकर आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी। भ्रष्टाचार की दीमक पूरे देश को किस तरह खोखला कर रही है, ये किसी से छिपा नहीं है। ये मामला राजस्थान से जुड़ा हुआ है। जोधपुर में किसानों ने तहसीलदार हुक्मी चंद से परेशान होकर अपने बच्चों को तहसील कार्यालय में गिरवी रख दिया। खातेदारी के मामले में रिश्वत मांगने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार अपने 9 बच्चों को वहां पर छोड़ गए। देर रात तक जब बच्चे ऑफिस में हाथों में तख्ती लिए बैठ रहे तो अधिकारियों में हड़कंप मच गया और इसके बाद उपखंड अधिकारी के मौके पर पहुंचने पर बच्चों को उनके घर पहुंचाया गया। वहीं परिजनों के खिलाफ प्रशासन ने जेजे एक्ट में मामला भी दर्ज करवा दिया है। मामला फलौदी तहसील कार्यालय का है। ये मामला बुधवार का बताया जा रहा है। यहां डड्डू गांव के 13 किसान अपने 9 बच्चों के साथ पहुंचे थे। इनका आरोप था कि जमीन बंटवारे के बाद उन्हें मालिकाना हक मिलना था, जिसके एवज में तहसीलदार 2-2 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो उन्होंने अपने बच्चों को ही वहां पर गिरवी रख दिया और उनको छोड़कर आ गए। यह मामला फलौदी कस्बे के डड्डू गांव का है, जहां पर 13 लोगों और एक अन्य की जमीन का बंटवारा कराने का मामला है। शुरुआत में तो तहसील में मौजूद कर्मचारियों ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलने लगा तो प्रशासन में हड़कंप मच गया। बच्चे अकेले हाथों में नारे लिखे कागज के साथ वहीं बैठे रहे। इधर जैसे ही अधिकारियों को खबर मिली तो वह मौके पर पहुंचे। SDM अर्चना व्यास ने तहसीलदार ऑफिस के सामने बैठे बच्चों से बातचीत की, लेकिन बच्चे उठने के लिए तैयार नहीं थे। SDM ने बच्चों को वहां से ले जाने के लिए पुलिस भी बुलाई। यह जीता जाता उदाहरण है हमारे देश के भ्रष्टाचार का। कौन नहीं जानता कि इन अधिकारियों ने करोड़ों रुपए की संपत्तियां बनाई हैं, लेकिन फिर भी बात तो होती है कि हम भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देंगे, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटा देंगे। जब भी सरकार आती है, चुनाव आते हैं तो नेता यही शपथ लेते हैं, लेकिन नतीजा क्या होता है आज तक सबके सामने है कि हमारा देश भ्रष्टाचार में लगातार नंबर लेता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला रेसलर्स की सुनवाई जो याचिका थी वह आज बंद कर दी है। अदालत का कहना है कि महिला रेसलर्स को सुरक्षा दी गई है। उनकी मांग पर बृजभूषण पर FIR दर्ज करनी थी, जो पूरी हो चुकी है। अब कोई और मसला हो तो याचिकाकर्ता हाईकोर्ट या निचली अदालत में जा सकते हैं। इस पर पहलवानों ने कहा कि हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तब आया जब जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और पुलिसकर्मियों के बीच एक दिन पहले झड़प हुई है। जंतर मंतर पर बुधवार को देर रात हुई झड़प में पहलवान राकेश यादव और विनेश फोगाट के भाई दुष्यंत को चोटें आई हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि रेसलर्स पर बल प्रयोग नहीं किया गया, 5 पुलिस वाले घायल हुए हैं। हमने पुलिस कर्मियों का मेडिकल भी करवाया है, कोई भी पुलिस वाला नशे में नहीं था। आपको बता दें कि पहलवान पिछले 12 दिनों से धरने पर हैं और ये कह रहे हैं कि वह जितने भी मेडल उन्होंने जीते हैं वह भारत सरकार को लौटा देंगे। महावीर फोगाट, आपको याद होगा कि आमिर खान की दंगल फिल्म में जिस किरदार का रोल आमिर खान की ओर से निभाया गया था वह महावीर फोगाट ही थे। वह भी अपना द्रोणाचार्य अवार्ड अब लौटाने जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार सरकार एक बाहुबली नेता पर कार्रवाई करने से डर क्यों रही है? क्या वह इतना शक्तिशाली है? एक तरफ देश के लिए मेडल जीतने वाले जो पहलवान हैं वह धरने पर हैं और दूसरी तरफ वह अकेला इनसे लड़ रहा है। और अब यह धरना पहले से भी उग्र होने की तरफ जा रहा है। पंजाब के किसान संगठन इसके समर्थन में उतर आए हैं। किसान संगठनों का कहना है कि उनके नेता दिल्ली में आंदोलन का समर्थन करने गए तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
और भवाना थाना में ले गए। किसानों का कहना है कि गिरफ्तार किसान नेताओं का तुरंत रिहा कर रहे और यदि इन्हें रिहा नहीं किया गया तो फिर अगला कदम किसान जो उठाएंगे वह सरकार सोच भी नहीं सकती है। इन नेताओं ने साफ कह दिया है कि सुखविंदर सिंह साबरा, महासचिव राणा रणबीर सिंह के साथ और भी जिन किसान नेताओं को दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है उन्हें अगर नहीं छोड़ा तो कल यानी कि शुक्रवार से पंजाब में कोई ट्रेन नहीं चलेगी, रेलवे ट्रैक जाम कर दिए जाएंगे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के जो प्रदेश प्रभारी हैं, महासचिव हैं सरवन सिंह पंधेर, उनका कहना है कि सरकार यौन शोषण के आरोपी ब्रिजभूषण को तो गिरफ्तार नहीं कर रही बल्कि जो लोग इतने दिनों से जंतर मंतर पर बैठकर इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। आंदोलन में पहलवानों का साथ देने वालों को ही गिरफ्तार किया जा रहा है। पंजाब के हजारों करोड़ रुपए के ड्रग रैकेट मामले की आज पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पूर्व डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने बताया कि उन्होंने मामले में पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता समेत और दूसरों की ओर से एफिडेविट की कॉपी मांगी है। एफिडेविट की कॉपी मिलने के बाद वे अगली तारीख पर अपना पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि पंजाब सरकार मामले को लेकर सख्त है और एआईजी अधिकारी राजजीत सिंह हुंदल को बर्खास्त किया जा चुका है। हालांकि राजजीत सिंह अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है, पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी कर रही है। अब राजजीत सिंह जो कि फरार है अब उसका लुकआउट सर्कुलर जारी करने की तैयारी की जा रही है। विजिलेंस को उसकी ड्रग मनी से अर्जित की गई संपत्ति का पता लगाने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। इस मामले में अब तक हाईकोर्ट में 3 रिपोर्ट खोली जा चुकी हैं जिन पर सिट के सदस्यों के भी हस्ताक्षर हैं। हाईकोर्ट ने इसमें पंजाब के एक रिपोर्ट पढ़कर पंजाब के पूर्व डीजीपी दिनकर गुप्ता को नोटिस देने की भी बात कही थी। आपको बता दें कि यह मामला खासा पुराना है, हाईकोर्ट ने खुद ही नोटिस लिया था जब पंजाब में ड्रग्स लगातार बढ़ रहे थे और इस पर काबू नहीं पाया जा सका था। 2013 में एक सिट बनाई गई थी जिसने 2018 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की, जिन रिपोर्टों को मार्च महीने में खोला गया है उसमें बहुत सारे खुलासे हुए थे, अभी एक रिपोर्ट खोलना बाकी है। अमृतपाल की पत्नी किरणदीप कौर ने आज अपने पति के साथ असम की डिब्रूगढ़ जेल में मुलाकात की है। आपको बता दें कि 48 दिनों के बाद पहली बार डिब्रूगढ़ सेंट्रल जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह की पत्नी किरणदीप कौर उनसे मिलने पहुंची। यह मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। इस दौरान किरणदीप कौर ने अपना चेहरा दुपट्टे से ढक रखा था और हाथों में लाल चूड़ा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बाहर आकर मीडिया से कोई बात नहीं की लेकिन उनके वकील ने बताया कि अमृतपाल सिंह और दलजीत सिंह कलसी के पारिवारिक सदस्यों ने उनके साथ आज मुलाकात की है। किरणदीप कौर के साथ दलजीत कलसी की पत्नी नीरू कलसी और बेटा सिमरदीप कलसी भी मौजूद था। ये सभी लोग वीरवार को करीब 1:30 बजे वहां पर पहुंचे थे। फैमिली मेंबर्स आए हैं कलसी साहब के भाई अमृतपाल सिंह के एज ए लॉयर, क्योंकि इस केस में पंजाब गवर्नमेंट ने एडवाइजरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर दिया है 1 अप्रैल से, तो अब डिस्कशन हुई है कि हमने एडवाइजरी बोर्ड के पास कैसे कैसे प्ली बिल्ड करनी है। जो केस है 1x1 डिस्कशन हुई है, उसको हम अब एडवाइजरी बोर्ड के आगे प्रॉपर बिल्ड करेंगे। आज यहाँ पर कौन कौन आए हैं? हाँ, भाई अमृतपाल सिंह के फैमिली मेम्बर्स हैं और दलजीत कलसी के फैमिली मेम्बर्स हैं। अमृतपाल सिंह के वाइफ आए? हाँ, वो भी आए। जी जी, मेरे को नाम नहीं पता। सर, आप जो भीतर गए थे तो किस तरह की बातें हुई, क्या हुई, कुछ उन लोगों को तकलीफ है या क्या? नहीं, वो ठीक हैं, जैसे जेल में होता वैसे ही है। मतलब जनरली अब लीगल डिस्कशंस हुई हैं, जो एनएसए केस है, एनएसए केस के बिना 12 और एफआईआर है पंजाब में, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन हुई है। तो कैसे कैसे किस केस में कौन कौन वकील कैसे कैसे केस करेगा, कैसे हैंडल करना, उस पर हमने स्ट्रेटजी बनाई है बैठ के। आपको बता दें कि 18 मार्च को जब अमृतपाल सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की थी तो वह चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया था। इसके बाद करीब 1 महीने तक चले ड्रामे के बाद उसे 23 अप्रैल को मोगा से गिरफ्तार किया गया था। इस समय तक अमृतपाल समेत उसके 10 साथी डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की अंतिम अरदास के कार्यक्रम के दौरान
अमित शाह ने उन्हें श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। अमित शाह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन से सिर्फ पंजाब को ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति और सामाजिक क्षेत्र को भी कभी ना पूरा होने वाला घाटा हुआ है। बादल के निधन से जो शून्यता पैदा हुई है वह लंबे समय तक नहीं भरी जा सकेगी। बादल के जाने से सिख पंथ ने सच्चा सिपाही खो दिया है, देश ने देशभक्त खो दिया है, किसानों ने सच्चा हमदर्द खो दिया है। सम्माननीय बादल साहब की अंतिम अरदास में मैं संगत के सामने उपस्थित हुआ हूं, तब बादल साहब हमारे बीच में न रहने से केवल पंजाब नहीं समग्र देश की राजनीति और सामाजिक नेतृत्व के क्षेत्र को कभी भी जिसकी पूर्ति न हो ऐसी क्षति हुई। ये गड्ढा जो बादल साहब के जाने से शून्यता जो पैदा हुई है मैं देख रहा हूं, लंबे अरसे तक इसको भर पाना सबके लिए बड़ी मुश्किल हो। बादल साहब के जाने से सिख पंथ ने अपना एक सच्चा सिपाही खोया है, देश ने एक देशभक्त खोया है, किसानों ने अपना सच्चा हमदर्द खोया है और ढेर सारे राजनीतिक जीवन के उच्च मानांकों ने मानांकों को सिद्ध करने वाले महापुरुष को खोया है। इतना लंबा सार्वजनिक जीवन, 70 साल का सार्वजनिक जीवन के बाद व्यक्ति चला जाए और पीछे कोई भी दुश्मन न हो ऐसा अजात शत्रु जैसा जीवन बादल साहब के बिना कोई नहीं जी सकता, ये मेरे मन से मैं मानता हूं। मैं अनेक बार बादल साहब को मिला हूं, जब भी मिला कुछ सीख पाकर गया, जब भी मिला चेतना प्राप्त कर गया। इन्होंने हमेशा सच्चा रास्ता दिखाने का प्रयास किया, दल तो हमारे दो अलग थे परंतु हमेशा उन्होंने वो ही कहा जो मेरे दल के लिए भी सही था। इतनी पारदर्शिता के साथ राजनीतिक जीवन में सलाह देना ये महामानव के सिवा कोई नहीं कर सकता। इस दौरान शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने अमित शाह के सामने बंदी सिंहों की रिहाई का मुद्दा भी उठाया और कहा कि यह समय उचित तो नहीं है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की इच्छा थी कि बंदी सिंह रिहा कर दिए जाएं। यह पंजाब का बड़ा दुख है जो ब्लू स्टार से शुरू हुआ था। धामी ने कहा कि वह जरूर इस मामले में उचित कदम उठाएं और बड़े बादल साहब की इच्छा को जरूर पूरा करें। और उन्होंने यह इच्छा सी, मैं क्योंकि सत्कार जो होम मिनिस्टर इंडिया दे श्री अमित शाह जी बैठे आ, सुभागा समा कई बार मिलता कई बार नहीं मिलता, सरदार प्रकाश सिंह बादल होना की इच्छा सी कि मेरे जीवदे जी आ जड़े बंदी सिंह साढ़े बैठे आ 1984 तो बाद वाले उन्हों की जरूर रिहाई का रास्ता पदरा किया जाए। मैं थानू निम्रता सहत बेनती करदा कि भावें आप शारदा दे फुल भेट कर रहे हैं पर उन्हों की इच्छा भी सी जिहड़ी 1912 तो तुहाडे नाल रल के शुरू भी की, कुछ उन्होंने विचों बूर भी पिया पर कुछ रह गए। कृपा करो थोड़े को गुरु ने हुण बख्शिश की आ, ये पंजाब का बड़ा दुखांत जिहड़ा बल्यू स्टार तो शुरू होया अज तक लोगों के हिरदियां दे विच रड़क रहा, उस दे विच सरदार प्रकाश सिंह जी बादल की यह चाहना सी कि मेरे जीवदे जी ये जिहड़ा कार्ज आ ये भी पंथ का फतेह होवे। सो गुरु साहब कृपा करन थानू समर्था बख्शिश करन, भावें अज का विशा नहीं पर मैं जिदन 1.5 घंटा उन्होंने बैठ के विचारां कीतियां उहदे विचों एक ये भी सी। सो कृपा करियो उस बिछड़ी जिहड़ी साडी रूह जिस रूह ने हमेशा ही पंजाब का भला लद्दिया, जिस रूह ने हमेशा ही चाहे राजनीतिक जीवन सी चाहे धार्मिक जीवन सी हर एक जीवन से सफल जीवन जी के गए आ, ऑलराउंडर शख्सियत सन जिन्हों अज सारा मुल्क चेते करता। मैं
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਮਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਕਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਣ ਵੱਧ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਲ੍ਹੇ ਗੁਣ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਘੱਟ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਜਲਾ ਭਵਿੱਖ ਮੁੜ ਇਸ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ, ਇਹੋ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਉਸ ਬਿਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ। ਇਸੀ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੇ ਸਾਂਸਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਸਾਂਸਦ ਹੈ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ, ਉਹਨੇ ਕੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਯਦੀ ਵਾਕਈ ਸਿੱਖੋਂ ਕੀ ਭਲਾਈ ਚਾਹਤੀ ਹੋਤੀ ਤੋ ਵਹਿ ਏਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੇ ਹਾਥੋਂ ਮੇਂ ਨਾ ਖੇਲਤੀ। ਅੱਜ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਉਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣ ਰਹੇ ਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਬਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਡੈਥ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਅੱਜ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੱਥ ਕੋਡੇ ਹੋ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਕਿਉਂ ਹਜੇ ਕੀ ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸੈਂਟਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਸ ਜੀ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਐਸ ਪੀ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਮੰਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਦੇ ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਰਚੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆ, ਕਿਉਂ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਮੌਕਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹ ਟਾਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ। ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੋਰਿੰਡੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਝਾਕ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮਾੜੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਇੱਕ ਔਰ ਲੂਟ ਕਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਾਰ ਮੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਪਰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੇ ਗਹਿਣੇ ਔਰ ਨਕਦੀ ਲੂਟ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਨਡਾਲਾ ਢਿਲਵਾਂ ਰੋਡ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ, ਥਾਣਾ ਸੁਬਾਨਪੁਰ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਮਾਮਲਾ ਸੰਦਿਗਧ ਲੱਗ ਰਹਾ ਹੈ। ਆਜ ਕੇ ਲਈ ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਕੱਲ ਆਪਕੇ ਸਮਕਸ਼ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਗੇ, ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਨਮਸਕਾਰ।